सो टुडेज टॉपिक इज एडवांसेस इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग क्रिस्पर केस 9 सिस्टम एंड माय नेम इज शारेज भट्ट एंड माय ग्रुप मेंबर्स आर मोहम्मद सुफियान नजीर, शगुफ्ता अरशद, रिमशा वहीद एंड राहत रोशनी। आई एम फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड। टेबल ऑफ कॉन्टेंट। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इंट्रोडक्शन, क्रिस्पर लोकस, कंपोनेंट्स ऑफ क्रिस्पर केस 9 सिस्टम, अबाउट केस 9, व्हाट इज केस 9, केस 9 लोब्स, एंड व्हाट आर द लोब्स ऑफ केस 9, गाइड आरएनए व्हिच इज सिंगल गाइडेड आरएनए मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्पर केस 9, हाउ इट इज यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग, इट्स समरी, प्रॉन्स एंड कॉन्स एंड फाइनली कंक्लूजन। ओके नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है, तो इसके ये सबसे पहले ये बात करेंगे हम, ये किस चीज का एब्रिवेशन है। क्रिस्पर जो है वो स्टैंड्स फॉर करता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक, ये इसका जो है फुल फॉर्म है। दूसरी बात, ये जीनोम एडिटिंग की टेक्निक है, ये रिमूव एड और आल्टर कर सकती है, जीन को रिमूव कर सकती है, हटा सकती है, ऐड कर सकती है, यानी कि एडिशन कर सकती है जीन की, आल्टर या फिर जीन को चेंज कर सकती है। और ये हकीकत में है क्या, मतलब ये मिला कहाँ पे था, ये इम्यून सिस्टम होता है बैक्टीरिया और आर्किया का। ठीक है, बेसिकली उनका इम्यून सिस्टम है ये, और ये एंटीवायरस सिस्टम है जो उनको वायरस के अगेंस्ट बचाता है। ठीक है, तो ये जो इसका लोकस होता है वो वैक्सीनेशन कार्ड होता है, जहाँ पे हर वायरस का डीएनए जो है उसकी एक कॉपी स्टोर्ड हो जाती है, यानी कि जब वो फ्यूचर में ताकि अटैक करे तो उसके अगेंस्ट पहले ये इम्यून हो। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्रिस्पर लोकस यानी कि जो इसका जीन होता है उसकी क्या शेप होती है, मतलब किस पोजीशन में क्या होता है। क्रिस्पर लोकस कंसिस्ट ऑफ क्रिस्पर अरे, अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अबाउट 25 टू 40 सेपरेटेड बाय शॉर्ट स्पेसर कैस जीन इन कोड प्रोटीन लाइक इंडो न्यूक्लियस। ठीक है, स्पेसर जो है ये जो क्रिस्पर अरे जो है ये स्पेसर और रिपीट्स के जो कंजेक्टिव मतलब रिपीटिंग जो है ना उसको क्रिस्पर अरे कहते हैं। इससे आगे जो लीडर सीक्वेंस होता है उससे आगे कैस जीन होता है जो कि कैस प्रोटीन्स बनाता है जो कि उसको क्लीव करवाता है, ये मतलब डीएनए वगैरह को क्लीव करवाता है। और ये पीछे जो है ये ब्लू जो है ये रिपीट्स हैं, इनके दरमियान में स्पेसर्स हैं जहाँ पे आकर वो जो कोई भी नया वायरस का डीएनए वगैरह आता है वहाँ यहाँ पे आकर लग जाता है, इधर मतलब सेव हो जाता है। ठीक है, और जो केस जीन है वो केस 9 प्रोटीन वगैरह बनाता है जो कि उसकी क्लीवेज करवाते हैं, कोई भी नया डीएनए इनवेडिंग फॉरेन डीएनए वायरस का आता है जो भी एंटर होता है बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। तो कंपोनेंट्स ऑफ क्रिस्पर केस सिस्टम, मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या चीजें होती हैं क्रिस्पर केस सिस्टम के अंदर। स्पेसर्स होते हैं, सेपरेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ड्राइव फ्रॉम इनवेडिंग वायरसेस। ठीक है, वो कहता है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को सेपरेट करता है ड्राइव फ्रॉम इन्वेडिंग वायरसेस, मतलब जो भी वायरसेस के सीक्वेंसेस सेव होते हैं ना उनको ये सेपरेट करता है एक दूसरे से। ठीक है, इसके अलावा लीडर सीक्वेंस होता है कंजर्व्ड सीक्वेंस विद क्रिस्पर प्रेजेंट अपस्ट्रीम, जो क्रिस्पर है इसके ये राइट साइड पर होता है। ठीक है, ये कंजर्व्ड रीजन होता है। तो प्रोटो स्पेसर होता है, ये एक टारगेट सीक्वेंस होता है जो कि कोई भी इन्वेडिंग डीएनए होता है उसके अंदर पाया जाता है, जिसकी बेस पर उसको टारगेट किया जाता है। ठीक है, पीएएम प्रोटोस्पेसर एसोसिएटेड मोटिव प्रेजेंट नेक्स्ट टू टारगेट सीक्वेंस नेसेसरी फॉर रिकॉग्निशन, ये वही बात की गई है। पीएएम जो होता है ये वही मतलब प्रोटोस्पेसर एसोसिएटेड मोटिव होता है जो कि टारगेट करने के लिए किसी भी डीएनए को जरूरी होता है, मतलब उस पर पाया जाता है। और एक क्रिस्पर आरएनए जो होता है वो छोटे छोटे आरएनए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा अबाउट केस, मतलब केस नाइन क्या होता है, ये आरएनए गाइडेड कहलाते हैं, डीएनए न्यूक्लियस मतलब आरएनए को जो है इसको गाइड करता है जिसकी वजह से ये डीएनए को क्लीव करता है। ठीक है, इसके अलावा ये स्पेसिफिक तरह के डीएनए सीक्वेंसेस के लिए को टारगेट करता है, मतलब हर वायरस का डीएनए नया जो आएगा उसके अलग होगा। ठीक है,
क्रिस्पर आरएनए रिक्वायर फॉर कैस नाइन एक्टिवेशन, ठीक है, जो क्रिस्पर नाइन होता है, आरएनए होता है ना, वो कैस नाइन की एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है। और यहाँ पे कैस नाइन जो होते हैं डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, स्पाई कैस नाइन है, एसटी कैस नाइन है, टीडी कैस नाइन, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और ट्रिपोनेमा डेंटिकोला में पाए जाते हैं। अगली स्लाइड। अच्छा, अब जो केज नाइन जो प्रोटीन है उसके लोब्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रिकॉग्निशन लोब, एक होता है न्यूक्लियेज लोब। रिकॉग्निशन लोब का जो काम है वो ये है कि वो रिकॉग्नाइज करता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है पैम सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ पैम सीक्वेंस। और न्यूक्लियेज लोब जो होता है उसको क्लीव करवाता है डीएनए को, ठीक है। आगे जो न्यूक्लियेज लोब है उसमें एन एच डोमेन होती है, RUVC डोमेन होते हैं। जो एच एन एच डोमेन होती है वो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को कट करता है, जो के सिंगल गाइड आरएनए के साथ कंप्लीमेंट्री होता है। जो लिखा हुआ है सामने, मतलब डायग्राम में शो हो रहा है, एच एन एच जो है वो कंप्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है उसको क्लीव कर रहा है, RUVC वो नॉन कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड वो कर रहा है। अगली स्लाइड। अच्छा, इसमें ये होता है, अब ये बताया गया सिंगल गाइडेड आरएनए को इंजीनियर किया जाता है उसके फाइव एंड पे, ठीक है, डेट इज कम्प्लीमेंट्री टू टारगेट डीएनए सीक्वेंस, जो जिसकी वजह से वो डिफरेंट तरह के डीएनए सीक्वेंस को टारगेट कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी के डीएनए सीक्वेंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सिंगल गाइडेड आरएनए होता है बाइंड्स विद कैस नाइन इंड्यूसेस कंफर्मेशनल चेंजेस मेक इट एक्टिव, ठीक है, ये बाइंड करता है जाके कैस नाइन के साथ, उसमें कंफर्मेशनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। जो डीएनए होता है वो अनवाइंड होता है, अनवाइंड होकर उसका एक स्ट्रैंड होता है मतलब कंप्लीमेंट्री होता है और अटैच हो जाता है, ठीक है, और एक्टिव कर देता है केस नाइन को। अगली स्लाइड। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है? केस नाइन सर्चेस फॉर टारगेट सीक्वेंस थ्रू पैम, ठीक है, ये पैम के जरिए टारगेट करता है डीएनए को, क्योंकि प्रोटोस्पेसर एसोसिएटेड मोटिव जो कि डीएनए सीक्वेंस पे होता है जिसको हमें टारगेट करना होता है, ठीक है। सिंगल गाइडेड आरएनए हैज फाइव एंड कंप्लीमेंट्री टू टारगेट हेल्प्स इन बाइंडिंग, ठीक है, उसका जो फाइव एंड होता है वो कंप्लीमेंट्री होता है टारगेट के साथ, तो टारगेट जो भी डीएनए और उसको बाइंडिंग में हेल्प करता है। आफ्टर एंड बाइंडिंग जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर सकता हूँ, एच एन एच एंड RUVC विल कट टारगेट डीएनए जो कि न्यूक्लियस डोमेन का मतलब पार्ट होते हैं, ठीक है, और उससे होता है ये कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स क्रिएट हो जाते हैं। अब वो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स जो है वो या तो होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर के जरिए रिपेयर होंगे या फिर नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग के जरिए, ठीक है, वो आपको बताता हूँ मैं। अगली स्लाइड। अच्छा, ये वही मैकेनिज्म बताया गया है क्रिस्पर कैस नाइन का, इसमें कैस नाइन प्रोटीन है और ये ग्रीन कलर का सिंगल गाइडेड आरएनए है, ठीक है, जो उसके साथ अटैच हुआ हुआ है। अब एक स्ट्रैंड जो है ऊपर वो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जो सिंगल गाइडेड आरएनए के साथ, दूसरा जो है नीचे वाला ब्लू स्ट्रैंड वो नॉन कंप्लीमेंट्री है, ऊपर वाले को एच एन एच डोमेन कट करेगी और नीचे वाले को RUVC डोमेन कट करेगी, और साइड वो PAM सीक्वेंस साइड बताई गई है, ठीक है, जिसकी बेस वो टारगेट करता है, ठीक है। ये अब नीचे आ गए डबल स्टैंडर्ड के, कहते वो ब्रेक्स क्रिएट हो गए, ठीक है, और वहां पे HDR लिखा हुआ है होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर, ठीक है, या फिर नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। अब नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग में ये होगा कि वो अपने अगेंस्ट मतलब कोई भी टेम्पलेट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर में टेम्पलेट उसके सामने जैसे कि दिखाया गया डोनर डोनर एक्सटर्नल डीएनए, ठीक है, जिस मतलब जिस डीएनए को हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट मतलब जिसका सीक्वेंस हम कॉपी करवाना चाहते हैं वहां, ठीक है, सिंपल ये बात। तो ये दोनों मैकेनिज्म थे जिसके जरिए वो रिपेयर होते हैं। अगली स्लाइड। अच्छा, वही बात यहाँ पे की है, ब्लंट एंड्स आर रिपेयर्ड बाय सेल्स नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, जो भी डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स क्रिएट होंगे वो सेल का नेचुरल मैकेनिज्म है, उन्होंने रिपेयर होना ही होना है, ठीक है। टू मैकेनिज्म्स आर फॉलोड, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग ब्रेक्स एंड्स डायरेक्टली लाइगेटेड विदाउट द नीड ऑफ होमोलोगस टेम्पलेट। वही बात जो मैंने पहले किया है कि जो NHEJ यानी कि नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग में जो ब्रेक्स हैं वो बिना किसी टेम्पलेट के रिपेयर हो जाएंगे, और होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर जो है उसके अंदर जो होमोलोगस टेम्पलेट हमें देना पड़ेगा मतलब जिसको कॉपी करेंगे ये, ठीक है। अब जो कहते हैं नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग है उसके अंदर जो
एंड जो होगा ना वो डायरेक्टली लाइगेट कर भी हो सकते हैं, यानी कि जो डी जीन होगा वो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये वही उसी का मैकेनिज्म बताया गया। ठीक है, नॉन होमोलोगस लीड्स टू कंसेक्यूटिव KO नॉकआउट, ठीक है, जीन नॉकआउट। ठीक है, यानी कि दोनों ज्वाइंट हो गया आपस में जुड़ जाएंगे और क्या कहते हैं जीन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। उसमें बताया करेक्शन बेस्ड ऑन प्रोवाइड टेम्पलेट क्रिएट्स KI, मतलब जीन नॉक इन हो जाएगा, मतलब हम किसी जीन की एडिशन करवा रहे हैं। ठीक है, HR में, होमोलॉजी डायरेक्टर रिपेयर में ये हो रहा है, और उसमें NHEJ में जो है वो नॉकआउट हो रहा है आगे। अच्छा, ये समरी या ये मैकेनिज्म बताया गया है कि कैसे क्या कहते हैं वो, मतलब वायरस एंटर होता है बैक्टीरिया में, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। सबसे बात है वायरस इन्वेड्स बैक्टीरियल सेल, इन्वेड करेगा। ठीक है, उसके बाद न्यू स्पेसर इज डिराइव्ड फ्रॉम वायरस एंड इंटीग्रेटेड इनटू क्रिस्पर सीक्वेंस। ठीक है, न्यू स्पेसर जैसे मैंने पहले ही बताया स्पेसर में जाके इसमें सेव हो जाना। ठीक है, और दरमियान में रिपीट्स हैं। ठीक है, अब वहां से बनेगा प्री क्रिस्पर आरएनए पहले बनेगा, फिर उसको कहते हैं कैस जो प्रोटीन है वो क्लीव करेगी और क्रिस्पर आरएनए बना देगी। अब वो क्रिस्पर आरएनए गाइड्स मॉलिक्यूलर मशीनरी टू टारगेट एंड डिस्ट्रॉय वायरल जीनोम, मतलब वो जो मशीनरी होगी वो उसको हेल्प करेगा कि वो डीएनए के मतलब जीनोम वगैरह को मतलब टारगेट करे और क्लीव कर दे। ठीक है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सके और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ऊपर वाली यहाँ पे अडाप्टेशन लिखी हुई है, प्रोडक्शन ऑफ क्रिस्पर आरएनए, यानी ऊपर देख रहे हैं आप अडाप्ट कर रहा है, यानी कि वो उसको एज अम्यूनिटी कार्ड के तौर पर सेव कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्रिस्पर आरएनए, नीचे जो क्रिस्पर आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है, पहले इससे पहले क्रिस्पर प्री क्रिस्पर आरएनए बनता है जो लॉन्ग होता है, फिर उसको कहते हैं क्लीव किया जाता है छोटे छोटे क्रिस्पर आरएनए इसमें। ठीक है, जो शॉर्ट होते हैं जिसकी वजह से टारगेट करता है, और वहां पर टारगेटिंग हो रही है, अब दोबारा वायरस का मतलब डीएनए है तो उसको टारगेट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसमें प्रोज एंड कॉन्स, मतलब फायदे और नुकसान बताए गए हैं। ठीक है, इसमें प्रोज जो है मतलब फायदे उसके ये हैं कि फास्ट देन अदर, दूसरों के निस्बत तेज होता है जो बाकी जीनोम एडिटिंग के टूल्स हैं। ठीक है, यूज इन मेनी स्पीशीज, मतलब काफी तरह की स्पीशीज में यूज किया जा सकता है मल्टीपल। ठीक है, मतलब जो पहले वाले जीनोम एडिटिंग के टूल्स है ना वो मतलब इसकी निस्बत कम स्पीशीज में यूज किए जा सकते। एबिलिटी टू टारगेट एनी जीनोमिक रीजन, ठीक है, ये इसमें एबिलिटी है कि किसी को भी टारगेट कर सकता है। अच्छा, इसके कॉन्स क्या ऑफ टारगेट इफेक्ट, यानी कि जिस हमने जीन को टारगेट नहीं करना ये उस जीन को जाके टारगेट करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, ये इसका एक कॉन है, मतलब एक नुकसान है। एथिकल इश्यूज इसकी वजह से हो सकते हैं कि हम जीनोम एडिटिंग के जरिए कोई प्रोड्यूस करें क्रॉप वगैरह, ठीक है, और वो कोई ऐसे मतलब पिग वगैरह के यार हराम वगैरह चीजों के जीन से बनी हो, तो उसके से फिर एथिकल इश्यूज अराइव होते हैं जो कि बाद में जाकर सोशल इश्यूज वगैरह बन रहे हैं, मतलब सोसाइटी पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड। अच्छा, कंक्लूजन इसका क्या है, क्रिस्पर हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रेंजिंग फ्रॉम एथिकल कंसर्न्स, बट दिस साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हैज द एबिलिटी टू। अच्छा, वो कह रहा है कि हर चीज के मतलब एडवांटेजेस भी होते हैं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस इसके हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन इसके एडवांटेजेस जो है इसके डिसएडवांटेजेस की निस्बत ज्यादा है। ठीक है, अब उसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब जो मेजर एडवांटेजेस हैं उसके, वो एलिमिनेट डिजीज करता है। ठीक है, जैसे जेनेटिक डिजीजेस हैं जो किसी जीन्स की वजह से हो सकती हैं, ये जीन को नॉकआउट कर दे वहां से, ठीक है, तो डिजीज भी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, टू सॉल्व वर्ल्ड वर्ल्ड हंगर, यानी कि अब जैसे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो वहां पर कई ऐसे स्पीशीज मतलब यूज करते हैं जो कि पहले वो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं ना रहे होती। ठीक है, लेकिन हम यूज करके क्रिस्पर कैस नाइन सिस्टम उसमें अपनी पसंद का जीन इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं और अपनी पसंद की प्रोडक्ट ले सकते हैं इन एन एफिशिएंट वे। ठीक है, अथॉरिटीज शुड फॉर्मुलेट लॉज फॉर इट्स सेफ एंड एथिकल यूज। अब जहाँ पे इसके एथिकल और सेफ यूज की बात, तो अथॉरिटीज जो है, हायर अथॉरिटीज जो है जैसे FDA वगैरह है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो हैं, उनको चाहिए कि वो लॉज, ठीक है, बनाए जिनके अंडर रहते हुए हम क्या कहते हैं इसका यूज कर सकते हैं सकें, मतलब क्योंकि जो जीनोम एडिटिंग की टेक्निक्स है ना उससे काफी ज्यादा मतलब मसाइल भी होते हैं। ठीक है, जैसे टॉक्सिन्स वगैरह भी प्रोड्यूस हो जाते हैं अक्सर। ठीक है,
तो कुछ ऐसे लॉज बनाए जाएं जिसके अंदर रहते हुए हम इसका यूज करें और इससे फायदा उठा सकें, ठीक है, बजाय नुकसान के। तो ये थी प्रेजेंटेशन, तो कोई भी अगर आपको सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी हेसिटेशन। थैंक यू।